बहुत बड़ी खबर है। उदयपुर में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पहले धारा 144 लागू की गई और अब फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। रात 10 बजे से अगले 24 घंटे के लिए उदयपुर शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। संभागीय आयुक्त की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उदयपुर में तनाव के चलते यह फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर उदयपुर से, जहां आज दिन भर जमकर बवाल देखने को मिला था और इसके बाद प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई थी और अब प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर। कपिल, क्या अपडेट है मामले में? देखिए, जिस तरह से पूरे दिन आज उदयपुर में बवाल चलता रहा, तो स्कूली छात्रों की लड़ाई के बाद में स्थिति पहले तो पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई, लेकिन बाद में उदयपुर जिला कलेक्टर और उदयपुर के SP खुद मौके पर डटे रहे और धारा 144 लगाने के बाद में शहर में काफी हद तक शांति व्यवस्था बहाल करने में सफलता मिल सकी। अब निर्णय लिया गया कि रात में धारा इंटरनेट बंद किया जाएगा और रात 10 बजे से इंटरनेट बंद करने के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उसमें साफ लिखा गया है कि उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुरा, ढीकली और बुआना इलाका, जो कि शहर का इलाका और उससे आसपास का सटा हुआ जो इलाका है जहां पर कुछ तो पुलिस को संदिग्ध गतिविधियां लग सकती है, उन इलाकों में रात 10 बजे से अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी कर लिए हैं। तो आप देखिए कि पूरी एहतियात बरत रहे हैं जिला प्रशासन और पुलिस, और इसी मुस्तैदी के कारण ये सफल हो पाया कि जिस तरह का बवाल दिन में देखने को मिला था, शाम होते होते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई और कुछ जगह छुटपुट घटनाओं की जानकारी अगर पुलिस और प्रशासन को मिलती तो पूरा महकमा वहां पहुंचता और वहां पर शांति बहाली करते। कुछ देर पहले आयड़ में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही थी, लेकिन वहां पर भी अब पुलिस ने शांति बहाली कर दी है, पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया है ताकि फिर से किसी तरह का उपद्रव ना हो सके। दूसरा, 144 लागू है शहर में, ऐसे में पूरे शहर में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे मनाही है और यही वजह है कि अब शहर में सभी जगह पर लगभग शांति नजर आ रही है। शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है पुलिस प्रशासन की जनप्रतिनिधियों की, उसमें क्या नतीजा निकला? देखिए, हाई लेवल मीटिंग की गई, पुलिस प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि थे, शांति बहाली के लिए बैठक की गई थी और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बैठक के अंदर, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी ये मांग थी कि आरोपी जो स्कूली छात्र है उसका घर जो बना हुआ है वो अवैध बिना स्वीकृति के बना हुआ है, ऐसे में स्थानीय निकाय को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और नगर निकाय को वहां कार्रवाई करते हुए वहां बुलडोजर चलाना चाहिए तो और तभी शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना था। तो इन चीजों के मद्देनजर बैठक के अंदर चर्चा हुई है और जो स्थानीय नगर निगम है उसके द्वारा मकान के कागजों की, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जांच भी कर ली गई है, तो हो सकता है उस मकान पर स्थानीय निकाय द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो लोगों का आक्रोश है वो शांत हो पाए। एक दिन दोपहर से एक लगातार अफवाहों का दौर चल रहा है, ऐसे में ये अपील बार बार की जा रही है, जिला कलेक्टर भी दो बार अपील कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। दोपहर से अफवाहें चल रही थी कि जो घायल छात्र है उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसकी स्थिति जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी बता रहे हैं उस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि अभी भी स्थिति क्रिटिकल है लेकिन स्थिति में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है और बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उदयपुर में आसपास के इलाके में इस घटना को लेकर के आक्रोशित लोगों की तरफ से प्रदर्शन करने की सूचनाएं मिल रही है, तो ऐसे में क्या पास के इलाके जैसे राजसमंद हुआ वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे संभाग में जो वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अपनी जो मुस्तैदी है वो दिखा दी है ताकि जो उदयपुर में जो उपद्रव हुआ था वो फैलता हुआ कहीं आसपास के जिलों में ना पहुंच जाए। दूसरा, सोशल मीडिया के मार्फत जानकारियां बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी, अफवाहें काफी फैल रही थी तो उसको लेकर इंटरनेट बंद करने के आदेश दे दिए हैं, तो ऐसे में अब सोशल मीडिया के मार्फत जो अफवाहें फैल रही थी, जो जानकारियां सर्कुलेट की जा रही थी जिसके चलते भीड़ जमा हो रही थी उस पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। जिला प्रशासन ने यह प्रयास किया है और पूरी रात जो आला अधिकारी हैं वो गश्त करते रहेंगे और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं
उनकी तैनाती रखी गई है, खास तौर से मोहल्ले कपिल। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल फोन लाइन पर आकर के लोगों से अपील करें, उनके जो सवाल हैं उनका भी सामना करें, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं क्या अब पूरी तरह से स्थितियां नियंत्रण में नजर आ रही हैं? देखिए पूरी तरह से स्थिति भले ही नियंत्रण में ना हो लेकिन काफी हद तक स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है, और अब पुलिस और प्रशासन ने जो अपील की थी उसका असर भी देखने को मिला, जिला कलेक्टर की अपील का असर भी देखने को मिला। साथ ही जब 143 धारा 143 लगा दी गई जो कि नए कानून के तहत। मैं रोकना चाहता हूं आपको, उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जो आज दिन भर तनाव की स्थितियां जिले में देखने को मिली है, क्या अब स्थिति कंट्रोल में है? अरविंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो लगता है कि फोन कट गया है, संपर्क करने की फिर से हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जिला कलेक्टर लोगों से बात कर सकें, लोगों से अपील कर सकें। हालांकि प्रशासन की तरफ से शांति बहाली की अपील की गई है, लोगों से कहा गया कि किसी तरह की अफवाहों से बचें, लेकिन फिलहाल जिला कलेक्टर की ओर से क्या एहतियातन कदम उदयपुर में उठाए गए हैं इसे लेकर के हम बात करना चाह रहे हैं। और हमारे सहयोगी कपिल शर्माली लगातार बने हुए हैं। कपिल, अचानक से जिस तरीके से एक तरह से देखें तो तनाव फैला, प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए, क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी या जो पुलिस की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जाने थे उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है? क्योंकि ये स्कूली छात्रों का मामला था, पहले से प्री प्लान मामला हो सके इस तरह से नहीं था। हालांकि ये जो दोनों छात्र थे इनके बीच में 2-3 दिन से विवाद चल रहा था, लेकिन बच्चों की लड़ाई इस हद तक भारी पड़ गई कि पूरा उदयपुर शहर तनावग्रस्त हो गया, आगजनी की घटनाएं हो गई, तोड़फोड़ की घटनाएं हो गई, तो बच्चों की लड़ाई का इतना बढ़ना पुलिस को अंदेशा शायद नहीं रहा होगा। यही वजह रही कि जैसे ही घटना हुई उसके बाद अचानक से भीड़ जो है वो हॉस्पिटल की ओर रुक कर गई, सोशल मीडिया के मार्फत मैसेज स्प्रेड होने लगे। लेकिन आप देखिए कि आप जैसे ही लोगों की भीड़ छूटने लगी थी वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए थे और स्थिति को नियंत्रण में लेने के प्रयास शुरू कर दिए थे। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो उदयपुर में जो आला अधिकारी जो कि पूर्व में काम कर चुके हैं आईपीएस आरपीएच स्तर के, उन सभी को भी उदयपुर में लगा दिया गया है, भेज दिया गया है ताकि वो अपने सोर्सेज का उपयोग करके जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम कर सके। कपिल, नजर बनाए।